विदिशा में जिला चिकित्सा अधिकारी ने अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे क्लिनिक और हॉस्पिटलों की जांच करने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। झोला छाप डॉक्टरों और प्राइवेट हॉस्पिटलों में चिकित्सा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, लेकिन प्रशासन बेपरवाह बना हुआ है, जिससे आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले भी कई दफा इन क्लिनिकों और हॉस्पिटलों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से क्लिनिक दोबारा से संचालित होने लगे हैं। सिरोन क्षेत्र से लगातार शिकायतें वरिष्ठ कार्यालय पे और हमारे पास भी आ रही थी कि यहाँ पे अवैध क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ MDR मतलब मैटरनल डेथ के केस भी सामने आए, जो कि बाहर क्लिनिकों पे डिलीवरी होने का कारण आए। वरिष्ठ कार्यालय से CMHO कार्यालय से हमको निर्देश प्राप्त हुए कि आपके द्वारा जाँच की जाए और हमको रिपोर्ट दी जाए। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पर दल गठित किया है, जिसमें डॉक्टर गोलू हैं और भी अन्य लोग हैं। चार सदस्यीय दल है। ये दल जो है जांच करके मुझे रिपोर्ट देगा, उस रिपोर्ट के आधार पे मैं कार्रवाई।